गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैंने आपको किरचॉफ्स लॉज बताए, उसका एप्लीकेशन सिखाया, उसको अप्लाई किया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दो केस डिराइव किया और इस तरह से मैंने स्टोर्ड एनर्जी का भी डेरिवेशन लिया। आज फिर मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं बच्चों। आज मैं आपको बताने वाला हूं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड अब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन आपको बताऊंगा और फिर इसके कुछ एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा। इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक स्लैब के बारे में भी सिखाया जाएगा। ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आज मैं कवर करने वाला हूं और आप मेरे साथ फोकस रहिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और आप डेफिनेटली इंजॉय करोगे। सो देखिए फिर आगे बढ़ता हूँ। एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बच्चों कॉम्बिनेशन चाहे कैसा भी हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या मिक्स कॉम्बिनेशन हो, किरचॉफ्स लॉज यूज करके हर एक कैपेसिटर पे अलग अलग चार्ज कैलकुलेट होता है और चार्ज कैलकुलेट होने के बाद हम लोग फार्मूला यूज करते हैं क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और क्यू स्क्वायर बाई टू सी फार्मूला यूज करके हर एक कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी अलग अलग निकालते हैं और सारी एनर्जी को सम कर देते हैं। इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नेक्स्ट स्टडिंग एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। बच्चों मैं पिछले एपिसोड्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी पॉइंट पर अगर छोटा सा वॉल्यूम ले लिया जाए, मान लो ये कैपेसिटर है, यहाँ पे वेरी स्मॉल वॉल्यूम लिया जाए तो उस वॉल्यूम को डीवी कहेंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो उसके अंदर वेरी स्मॉल एनर्जी स्टोर होगी, उसको कैलकुलस में डीयू कहेंगे। एंड एनर्जी इज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दैट वॉल्यूम। और बच्चों अगर प्लेटों के बीच में एयर भरा है तो इसको एयर फील्ड कैपेसिटर बोलोगे। एयर फील्ड कैपेसिटर की क्वांटिटीज में नॉट नॉट सिंबल देते हैं, एनर्जी डेंसिटी को यू नॉट लिखोगे, डी यू बाई डी भी डेफिनेशन है। बच्चों मगर ये जो डेफिनेशन है वो किसी पॉइंट पे बहुत छोटे से वॉल्यूम के लिए है, ये पूरे स्पेस के लिए नहीं है। उसके लिए कुछ कंडीशन है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसका पहला फार्मूला होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वेयर सिग्मा इज क्यू बाई ए। बच्चों एनर्जी डेंसिटी के दो फार्मूले, ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। You must say this is net electric field between the two plates in free space. You not samjha diya? Epsilon naught is permittivity of free space. Sigma is surface charge density on each metal plate. Bachcho, ye jo metal ki plate hai, is pe total charge top to bottom plus Q hai. Aur is wali plate par minus Q hai. तो किसी एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड कैपिटल ए प्लेट का एरिया है उसे डिवाइड करने पर ईच प्लेट का जो सिग्मा होता है वो मिल जाता है। यही फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। और ये फार्मूला कैसे डिराइव होगा देखो, मैं इस फार्मूले का प्रूफ देने जा रहा हूँ। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, that is u naught in free space, that is air or vacuum, definition is du by dv, इसे कह चुका हूँ। बच्चों अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसमें हर पॉइंट पर एनर्जी डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है। इनफैक्ट इसका एक रफ आइडिया है, अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज है तो उस पॉइंट पर एनर्जी डेंसिटी लार्ज होगी, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल है तो उस पॉइंट पर एनर्जी डेंसिटी स्मॉल होगी।
लेकिन अगर पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है आइडियल कंडीशन में, तो उसके हर पॉइंट पर एनर्जी डेंसिटी सेम होगी, आई मीन कांस्टेंट होगी। ये जो डायग्राम बना है पहले सिखा चुका हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो गैप होता है वो वेरी स्मॉल होता है और प्लेट एरिया लार्ज होता है। आइडियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप टू बॉटम यूनिफॉर्म होता है। इस पूरे स्पेस में एनर्जी डेंसिटी को कांस्टेंट मानोगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन डी यू कम्स आउट यू नॉट इनटू डीवी। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल डी यू इज कैपिटल यू, यू नॉट को आपने कांस्टेंट माना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसको इंटीग्रल के बाहर निकालो, इंटीग्रल में डीवी बचेगा, डीवी स्मॉल वॉल्यूम है, इसका इंटीग्रल कैपिटल वी होएगा और ये टोटल स्टोर्ड एनर्जी होएगा। तो बच्चों अगर यू नॉट कांस्टेंट है तो टोटल स्टोर्ड एनर्जी को यू नॉट इनटू टोटल वॉल्यूम लिख सकती हूँ और यू नॉट की वैल्यू यू अपॉन वी लिख सकती हो। आई मीन दिस इज टोटल स्टोर्ड एनर्जी एंड दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स। लेकिन बच्चों इस फॉर्मूले का लिमिटेशन क्या है? ये फॉर्मूला तब डिराइव हुआ जब यू नॉट इंटीग्रल के बाहर आया। ये बाहर कब आया? जब इसको कांस्टेंट माना गया। कांस्टेंट कब माना गया? जब इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म लिया गया। इसका मतलब ये फार्मूला तभी काम करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और यू नॉट कांस्टेंट होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुआ ये फार्मूला काम नहीं करेगा। फिर ओरिजिनल फार्मूला डी यू अपॉन डी वी होता है, मगर ये एक पॉइंट के लिए होता है, स्मॉल वॉल्यूम के लिए होता है। इज इट? तो समझने की जरूरत है बच्चों। यही बात जो होता है कंपटीशन लेवल पे बच्चों को परेशान करने लगता है। कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर फंक्शनल होते हैं, जहाँ पे ये फार्मूला वर्क करता है। स्कूल लेवल पे बच्चों को ये फार्मूला पढ़ा दिया जाता है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता, तो कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, इस लोग परेशान हो जाते हैं। तो पहले मैं सिखाया ओरिजिनल फार्मूला तो यही है, लेकिन ये फार्मूला किसी स्मॉल वॉल्यूम के पॉइंट के लिए है। और ये फार्मूला तब यूज होता है जब पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और यू नॉट कांस्टेंट होता है। तो बच्चों डेरिवेशन इसीलिए सीखना ज़रूरी होता है, इससे फार्मूले का लिमिटेशन समझ में आता है। यू बाई वी तब यूज करना जब यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो जो कैपेसिटर मैंने एयर फील्ड दिखाया उसमें स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला आपको मैंने डिराइव करके दिया, तीन में से एक फार्मूला क्यू स्क्वायर बाई टू सी। प्लेटों के बीच में जो गैप है बच्चों उसका वॉल्यूम क्यूबॉयड स्पेस है, वो स्पेस का शेप क्यूबॉयड है। क्यूबॉयड का फार्मूला होगा प्लेट एरिया इंटू गैप बिटवीन टू प्लेट्स। प्लेट एरिया इंटू गैप बिटवीन टू प्लेट्स ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉयड स्पेस। टू सी को नीचे ले आओ बिकम्स क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी ए डी। सी की वैल्यू बच्चों एयर फील्ड कैपेसिटर दिखाए हो, रटा हुआ फार्मूला पुट कर दो, डी को डी से कटा दो, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू बाई ए का होल स्क्वायर कर दो। ये देखो यू नॉट का ये फार्मूला आ गया। इज इट? यू नॉट आ गया क्यू बाई ए का होल स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा? ऊपर मैंने सिखाया है कि क्यू अपॉन कैपिटल ए को सिग्मा कहते हैं, आई मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट कहते हैं, इसकी जगह पे सिग्मा लिख डालो। नाउ दिस बिकम्स सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। यू नॉट का ये पहला फार्मूला हो गया।
पिछले एपिसोड्स में मैं बता चुका हूँ कि प्लेटों के बीच जो एयर फिल्ड कैपेसिटर में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सो नेट फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिग्मा इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट। यार बच्चों सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इसे कट करो, सिंगल पावर आएगा 1/2 आएगा, फिर ई नॉट स्क्वायर आएगा। दिस इज सेकेंड फार्मूला। दोनों फार्मूले को कंपाइल करो, फ्रॉम 1 एंड 2 यू नॉट इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव्ड। बच्चों डेरिवेशन तो मैंने सिखा दिया, फार्मूले को लर्न करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त फार्मूले लर्न भी होने चाहिए, और कंपटीशन लेवल पे कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए डेरिवेशंस पे कमांड भी होना चाहिए। तो आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, आप कुछ इग्नोर नहीं कर पाओगे। नाउ इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स बी फिल्ड विद सम मीडियम ऑफ डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट के, देन द एनर्जी डेंसिटी वुड बी। बच्चों जब आप दोनों प्लेटों के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब फिलअप कर देते हो, आइसोट्रॉपिक, जो पूरे गैप को ऑक्यूपाई कर लेती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। इस पूरे गैप में मैं एक डायलेक्ट्रिक स्लैब फिलअप कर दिया। बच्चों मैं प्लेटों के बीच से बैटरी हटा चुका हूँ। तो जब बैटरी रिमूव कर दी जाती है तो प्लेटों के सरफेस पर ये जो चार्ज होता है ये कांस्टेंट हो जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, क्योंकि इस चार्ज को घटाने बढ़ाने के लिए बैटरी का रोल होता है। एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन पुल करके दूसरी प्लेट पे पहुंचाती रहती है, ये वेरिएबल होते हैं। जब बैटरी मैं हटा दिया तो ये ना घटेगा ना बढ़ेगा, फिक्स हो गया। जब फिक्स हो गया, डायलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर, इस मीडियम में चार्ज कंडक्ट होगा नहीं, तो ना कंडक्ट होंगे ना न्यूट्रलाइज होंगे, जो जहाँ पे पड़ा है वहीं पे पड़ा रहेगा। तो मेटल की प्लेटों पर ये चार्ज कांस्टेंट रहेगा बच्चों, क्योंकि मैं बैटरी हटा चुका हूँ। लेकिन डायलेक्ट्रिक स्लैब फिल करने के बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा अभी समझाता हूँ। ये चेंज हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो देखो क्या फर्क पड़ता है, समझो। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स वे फिल्ड विद सम मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, देयर एनर्जी डेंसिटी वुड बी। बच्चों ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है। अब एनर्जी डेंसिटी डायलेक्ट्रिक मीडियम में चाहिए तो मैंने सिंबल यूके बना दिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक भरने के बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कांस्टेंट माना गया आइडियल कंडीशन में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा फिर से तो यू की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। जब ये कांस्टेंट आएगी तो ये फार्मूला काम करेगा। बच्चों ये फार्मूला तो काम करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म लोगे तुम, ऊपर दिखाए हो। तो यू का 3 में से 1 फार्मूला ये यूज करो, और वॉल्यूम बिटवीन 2 प्लेट्स ए इंटू डी होता ही होता है, तो ये 2CAD लिख डालो। आप डायलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर हैं, सी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन क्यू तो सेम का सेम ही रहेगा, बैटरी हटा चुके हो। नाउ दिस बिकम्स एप्सिलॉन नॉट के बाई डी इंटू ए डी, डी डी कैंसिल आउट इंटू ए स्क्वायर, ऊपर आप क्यू बाई ए का होल स्क्वायर लिख डालो, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट के लिख डालो, ये हो गया सिग्मा स्क्वायर। नाउ यूके कम्स आउट सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, इक्वेशन नंबर 1। बट इन द डायलेक्ट्रिक मीडियम, प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले एपिसोड्स में पढ़ा चुका हूँ कि जब फ्री स्पेस में डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स रिड्यूस हो जाती है। ये होता है ई नॉट बाई के,
ई नॉट की वैल्यू पहले से पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। तो प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए तो सिग्मा की जगह पे क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट के इनटू कैपिटल ई मिलेगा, सिग्मा इतना मिलेगा। तो ये फार्मूला तो आप सीख चुके हो, अब इसमें सिग्मा की वैल्यू पुट कर डालो, उसको रिपीट कर डालो। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दिया, होल स्क्वायर किया, डिवाइड किया, ये कट के सिंगल पावर बचेगा, के स्क्वायर कट के सिंगल पावर बचेगा, ये स्क्वायर तो आएगा। नाउ दिस इज़ ओ फार्मूला, 1/2 के इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों ये यूके का दूसरा फार्मूला है। फ्रॉम इक्वेशंस 1 और 2 दोनों को कंपाइल करो, इसको और इसको कंपाइल करो, देन वी आर गेटिंग 2 फार्मूलाज फॉर यूके। फर्स्ट फार्मूला हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, सेकेंड फार्मूला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की। बच्चों याद रखना कि ये जो कैपिटल ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायलेक्ट्रिक मीडियम है और ये ई नॉट बाई कैपिटल के होता है, भूलना नहीं, ई नॉट बाई कैपिटल के होता है। और सिग्मा मेटल की प्लेट पर है, ये तो क्यू अपॉन कैपिटल ही होगा। ये दो फार्मूले हो गए, आप तब इस्तेमाल करोगे जब कंप्लीट स्पेस को डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑक्यूपाई कर लेंगे। देन योर नेक्स्ट केस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लेट्स, दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला, एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन। कैपिटल ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायलेक्ट्रिक मीडियम, and this formula is written for dielectric field capacitor, capital area of the plate, K for dielectric constant, second formula sigma is cube by a for metal plate, area of each plate, third formula and in this third formula Q is free charge on metal plate। बच्चों metal की plate पर जो चार्ज क्रिएट होता है बैटरी की वजह से क्रिएट होता है इसको फ्री चार्ज कहते हैं। तो इस फार्मूले में ये फ्री चार्ज है, इंड्यूस चार्ज यहाँ पे काउंट नहीं होता। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट करी जाए, सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे एक सिंगल ए नीचे बचेगा, तो यह आपका तीसरा फार्मूला। अब बच्चों ये तीन फार्मूले डायलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के लिए डिराइव होगा, अब देखिए कैसे डिराइव होगा, प्रूफ देखिए। वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द इनर सरफेस ऑफ नेगेटिव प्लेट ड्यू टू प्लस क्यू, दैट इज ई प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज अगेन क्यू बाई ए, दैट इज क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। बच्चों पहले मैं डायग्राम का हेल्प लेता हूँ फिर इस लाइन को समझाता हूँ। देखो माना ये गया है कि ये मेटल की प्लेट है और ये सेकेंड प्लेट है, दोनों के बीच में बैटरी लगाई गई है, बैटरी की वजह से ये चार्ज हो गया है, इस पर प्लस क्यू आ गया, इस पर माइनस क्यू आ गया। तो प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, इन दोनों प्लेट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। आमीन, अगर सिस्टम इसको लेता हूँ इस पर अट्रैक्शन बाई तरफ आएगा, इसका डेरिवेशन में करके दिखाता हूँ।
कहा गया कि इस पूरे गैप में एक डायलेटिक मीडियम भर दिया गया। वैसे तो बच्चों ये डायलेटिक स्लैब दिखाया हूँ, यहाँ कुछ एयर गैप दिखाया हूँ, वो केवल समझाने के लिए दिखाया हूँ। अदरवाइज क्या है कि रियल में यहाँ पे एयर गैप जीरो है। रियल में माना गया है कि डायलेटिक स्लैब इसको टच कर रही है और इसको भी टच कर रही है, लेकिन कुछ डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया गया है, लेकिन रियल में ये स्पेस जीरो है ऐसा मान के चलो। इसमें होता ये है बच्चों कि प्लस क्यू के सामने माइनस क्यू डैश इंड्यूस हो जाता है और माइनस क्यू के सामने प्लस क्यू डैश इंड्यूस हो जाता है। बच्चों क्यों इंड्यूस होता है मैं समझाता हूँ। अगर ये स्लैब ना होती तो यहाँ पर फ्री स्पेस होता और इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होता, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट होता, उसको ई नॉट बोलते। तो राइटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वजह से, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल का मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एडजस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होता तो पॉजिटिव चार्ज पे राइटवर्ड फोर्स लगता, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे लेफ्टवर्ड फोर्स लगता। तो बच्चों डायलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है, उनमें पोलराइजेशन शुरू हो जाता है, पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर रिलेटिवली राइट साइड में आ जाता है, नेगेटिव चार्जेस का सेंटर रिलेटिवली लेफ्ट साइड में आ जाता है। और मैं मान के चलता हूँ कि इन दोनों पे फोर्स इतना कम है कि मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल है, दोनों पे फोर्स स्मॉल है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो हर मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन होगा, जिसका पॉजिटिव सेंटर राइट में आएगा, नेगेटिव लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ पे हमने पोलराइजेशन दिखा रखे हैं। तो एकदम सरफेस की बात करें तो राइट साइड का जो डायलेक्ट्रिक सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज दिखने लगता है, लेफ्ट साइड का जो डायलेक्ट्रिक सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज दिखने लगता है। टॉप टू बॉटम टोटल नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू डैश लिखा हूँ, टॉप टू बॉटम टोटल पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू डैश लिखा हूँ। तो बच्चों इसको हम लोग इंड्यूस चार्ज कहते हैं। ये जो चार्ज यहाँ पे दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइजेशन हुआ है, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव का दिखना, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव का दिखना, इसको इंड्यूस चार्ज कहते हैं बच्चों। ये बैटरी की वजह से पैदा नहीं हुआ है, बैटरी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ पहुँचाती है उसकी वजह से ये चार्ज पैदा हुआ है, तो इसको हम लोग फ्री चार्ज कहते हैं, ये इंड्यूस चार्ज करते ही नहीं। प्लस क्यू फ्री चार्ज, माइनस क्यू फ्री चार्ज, और ये सिर्फ मेटल की प्लेट पर ही होता है। अब क्या होगा इस माइनस क्यू पर, इस प्लस क्यू का या नेट फोर्स मैं डिराइव करना चाहता हूँ। यार बच्चों इसका टेक्निक ये होता है कि इमेजिन करो कि माइनस क्यू यहाँ पे नहीं था, देखो रियल में नहीं, केवल हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन करो कि माइनस क्यू यहाँ पे नहीं था। थोड़ी देर के लिए मान लो ये जो इनर सरफेस है इसके हर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। निकालने का तरीका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू का होगा, इधर होगा राइटवर्ड। अच्छा ये गैप मिलीमीटर के रेंज का होता है, इतना नहीं होता जितना स्केल में दिख रहा है, ये 1 मिलीमीटर का ऑर्डर का होता है, और ये लार्ज प्लेट होती है 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, इसको इनफिनाइट सीट ऑफ चार्ज कहेंगे। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा तो यूनिफॉर्म होगा, डायरेक्शन राइटवर्ड होगा, ई प्लस वैक्टर होगा, गॉट इट। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू डैश का होगा, तो माइनस क्यू डैश का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाईं तरफ होगा, वो भी यूनिफॉर्म होगा मगर बाईं तरफ होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू डैश का होगा, यहाँ पे होगा वो यूनिफॉर्म होगा, वो राइट साइड होगा। बच्चों इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट होगा,
तो नलिफाई हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा इनर सरफेस पर वो सिर्फ प्लस क्यू का बचेगा, और प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे राइटवर्ड दिखाया हूँ, ये सिंगल लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंगल लेयर का। तो सिंगल लेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले से गवर्न होता है, और अब अगर मान लिया जाए कि माइनस क्यू फॉरेन चार्ज है, इसको कोई एजेंट इन्फिनिटी से ला के रख दिया। बच्चों ये डिराइव करने का मेथड है, रियल में ऐसा नहीं। माइनस क्यू को इन्फिनिटी से ला के कोई एजेंट यहाँ पे रख दिया, जहाँ पे रखा हूँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी राइटवर्ड है। थ्योरी पढ़ाया हूँ कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स लगता है, ये फोर्स बाईं तरफ होगा, और ये रिजल्टेंट फोर्स सेंटर पे लगेगा। अदरवाइज तो छोटा छोटा एरिया काटा जाए तो छोटे छोटे फोर्स लगेंगे, डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ टॉप टू बॉटम डी एफ, और सबको इंटीग्रेट करने से नेट फोर्स आएगा आई एफ, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स सेंटर पे आएगा एफ। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू इंटू ई प्लस, क्यू इंटू ई प्लस। बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसील करवाया प्लस क्यू डैश और माइनस क्यू डैश का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसील करवाया, प्यारे बच्चों ये जो अंदर वाले चार्जेज हैं ये भी तो पेयर में हैं। देखो देखो, वन टू थ्री, वन टू थ्री, पॉजिटिव नेगेटिव पेयर में है। तो अगर तुम रियलाइज करो तो ये जो अंदर वाले चार्जेस हैं उनकी भी वजह से भी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो ही जाएगा ना। आई मीन इस डायलैक्ट्रिक स्लैब की वजह से इस सरफेस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होने वाला है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो केवल इसी पॉजिटिव लेयर का होगा जो मैं दिखा चुका हूँ, और इसको फॉरेन चार्ज माना गया, इसको बाद में ला के रख दिया गया। ये फोर्स महसूस करेगा ई प्लस का अपोजिट डायरेक्शन बाईं तरफ, मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ई प्लस, इज इट? सब समझा दिया? अब फॉर्मूले पर आ जाओ। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू ड्यू टू ई प्लस विल बी लेफ्ट वर्ड्स एज शोन, दैट इज एफ इक्वल्स क्यू इंटू ई प्लस। बच्चों ई प्लस का फार्मूला यहाँ लिख डालो। ये फार्मूला कैसे क्रिएट हुआ? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट से क्रिएट हुआ, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए लिख डाला, इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वेशन वन। बट क्यू इक्वल सिग्मा ए, क्यू की वैल्यू यहाँ रख दो, ए स्क्वायर को ए से कट करो, सिंगल ए बचेगा, वन बाई टू सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला नंबर टू, इज इट? बच्चों ये दो फार्मूले मैंने डिराइव किए। अच्छा ये एक एक फार्मूला और देखो। पूरे गैप में डायलेक्ट्रिक भरे हो तो डायलेक्ट्रिक मीडियम का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो नॉट बाई के होता है, ये तो होता ही है, पढ़ाया गया आपको। ए नॉट की वैल्यू होती है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिग्मा की वैल्यू इतनी आएगी। बच्चों सिग्मा की ये वैल्यू यहाँ ला के पुट करो, जब सिग्मा की ये वैल्यू मैं पुट करूँगा और स्क्वायर करूँगा तो इसमें क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कटेगा, के स्क्वायर बचेगा, ई स्क्वायर बचेगा, कैपिटल ए बचेगा। बच्चों ये तीसरा फार्मूला हो गया। अब तीनों फार्मूले को कंपाइल करो फ्रॉम वन टू एंड थ्री। देखो ये तीनों फार्मूले मैंने लिख डाला, सो वी हैव थ्री फार्मूलाज
फॉर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स। प्यारे बच्चों, जिस तरह से मैंने नेगेटिव प्लेट पे फोर्स डिराइव किया, सेम मेथड से आप पॉजिटिव लेयर पे भी फोर्स डिराइव कर सकते हैं। तो जब इस पे आप फोर्स डिराइव करोगे तो सेम टू सेम फार्मूला आएगा और डायरेक्शन राइटवर्ड आएगा, वो आप करके देख लेना। यानी कि इस प्लेट पे लेफ्टवर्ड फोर्स, इस पे राइटवर्ड फोर्स, कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। फिर तुम ये पूछ सकते हो कि सर, जब अट्रैक्शन फोर्स होगा ये दोनों करीब क्यों नहीं आते? क्योंकि बीच में डायलैक्ट्रिक भरा होता है सॉलिड, ये इन दोनों के साथ चिपका रहता है, इनको करीब आने से रोक लेता है, इसलिए अपनी पोजीशन पे वो फिक्स रहती है। तो बच्चों, ये सब कंपटीशन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला। रट के प्योरली अगर ब्लाइंडली रटोगे बड़ा मुश्किल होगा, भूल जाओगे, इसलिए डेरिवेशन सीखना ज़रूरी होता है। अगर फार्मूला भूल गए हो तो थोड़ा सा अपनी मेमोरी पे स्ट्रेस डालो और फार्मूला डिराइव कर लो, अपने न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लो। इसलिए डेरिवेशन सीखना पड़ता है, कम से कम स्मॉल डेरिवेशन तो सीख ही लेना चाहिए। बिग डेरिवेशन फिर भी कुछ बच्चे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर बच्चों, आपकी अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिकल प्रेशर ऑन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। तो आपने देखा कि पूरी प्लेट पर एक फोर्स लगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर इसको प्लेट एरिया से डिवाइड करूं तो उस प्लेट पे इलेक्ट्रिकल प्रेशर यहां से मिल जाएगा, इसका नाम इलेक्ट्रिकल प्रेशर, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों, ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये मैकेनिकल फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रेशर बोलेंगे। टेफ के तीनों फार्मूले को एरिया से डिवाइड करो, तीन फार्मूले और आएंगे, करके देखो एफ अपॉन ए। देखो, इसको एरिया से डिवाइड करोगे कैंसिल होगा, इसको एरिया से डिवाइड करोगे ये कैंसिल होगा, इसको एरिया से डिवाइड करोगे यहाँ ए स्क्वायर आएगा। देखो तीन फार्मूले, देखो यहाँ कैपिटल ए कैंसिल, यहाँ भी कैपिटल ए कैंसिल, यहाँ ए स्क्वायर आया। इलेक्ट्रिकल प्रेशर के तीन फार्मूले। अब इसमें क्यू क्या है बच्चों? क्यू इज फ्री चार्ज ऑन मेटल प्लेट्स ड्यू टू द बैटरी। ये इंड्यूस चार्ज करते ही नहीं है, बैटरी की वजह से मेटल के प्लेट पर जो क्रिएट हुआ है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड फ्री चार्ज ऑन मेटल प्लेट्स। इस फॉर्मूले में फ्री चार्ज यूज होगा, इंड्यूस चार्ज की वजह से कतई नहीं यूज होगा, याद रखना। नाउ योर नेक्स्ट हेडिंग इज डायलैक्टिक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायलैक्टिक? और डायलैक्टिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, कहते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, या होते भी हैं तो बड़े नेग्लिजिबल होते हैं। बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते आइडियल कंडीशन में, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएगा, तो इसको इंसुलेटिंग मटेरियल बोला जाएगा। देन डायलैक्टिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम, आपको थ्योरी पढ़ाई जा चुकी है। डायलैक्टिक फिल करने पर डेरिवेशन दिया हूँ कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, और डायलैक्टिक अगर रिमूव कर दिया जाए तो फ्री स्पेस रहने पर कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट सी नॉट होता है। नाउ द रेशियो ऑफ सी एंड सी नॉट इज कॉल्ड कैपिटल के ऑफ द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स। फिर आपको थ्योरी पढ़ाऊँ कि की वैल्यू नॉट बाई के होता है, तो के को ऐसे भी लिख सकते हो, ए नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस,
एंड कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायलेक्ट्रिक मीडियम। रेशियो को आप के बोलोगे। के का डेफिनेशन ये मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दिस रेशियो इज डिफाइंड एज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों ये तीन डेफिनेशन हो गया। द वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर। बच्चों के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये शेप और साइज की प्रॉपर्टी करते ही नहीं। हाउएवर वेरीज वाइडली फॉर डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल्स एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसकी वैल्यू हर मटेरियल का अलग अलग होता है। इसका आइडिया पहले दिया जा चुका है। रफ आइडिया मैंने बताया था कि मटेरियल की कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। और बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल मेटल होता है तो मेटल का ये इन्फिनिटी होगा। वैक्यूम में कंडक्टिविटी जीरो होती है जिसको वन माना गया है। वैक्यूम के लिए लिस्ट होगा तो उसके लिए इसको वन माना गया है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टर, वी नो दिस फार्मूला। बच्चों आपको मैं पढ़ा चुका हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। इन केस ऑफ ए कंडक्टर एट एवरी इंटरनल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। अंदर चार्ज रुकता नहीं, सरफेस पे चला आता है। अगर ई की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो के इन्फिनिटी आता है। दैट इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टर इज इनफाइनाइट। नाउ पोलर एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, इसको समझो। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स मे बी क्लासिफाइड एज पोलर एंड नॉन पोलर। इसको कैसे समझोगे समझाता हूँ। सपोज HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्लोरीन के पास होता है क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम है। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हाइड्रोजन के पास होता है क्योंकि रिलेटिवली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। दोनों के बीच में बॉन्ड होता है, बॉन्ड में लेंथ होता है, में डिस्टेंस होता है। HCl मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है, नेचुरली एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर पी का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये तो पोलर मॉलिक्यूल निकला। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल H2O, केमिस्ट्री में इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ते हो, OH बॉन्ड OH बॉन्ड डबल होते हैं और ये कुछ एंगल पे इंक्लाइन होती है। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ एच पे होगा, फिर यहाँ एच पे होगा, फिर माइनस पे होगा। अब इसको मिला लिया जाए तो एक डाइपोल बनेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसको कहोगे P1 वेक्टर। और इसको ज्वाइन कर लिया जाए तो एक डाइपोल और बनेगा, होगा P2 वेक्टर। पैरेललोग्राम ला यूज करो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल से आएगा। ये हुआ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, इस मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होगा। ते भी पोलर मॉलिक्यूल हुआ। CO2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है, सेंटर पे कार्बन एटम होता है, एक ऑक्सीजन एटम लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, बॉन्ड लेंथ दोनों तरफ इक्वल होता है,
पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ सी पे होगा, नेगेटिव का इस मान ऑक्सीजन पे होगा और एक नेगेटिव का इस ऑक्सीजन पे होगा। प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा कि अगर इन दोनों को एक डाइपोल माना जाए तो पी वन वैक्टर राइटवर्ड होगा, इसको डाइपोल मानोगे पी टू वैक्टर लेफ्टवर्ड होगा। अच्छा बच्चों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हुए केमिस्ट्री की तरह यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तुम्हें याद होगा केमिस्ट्री में कि ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इक्वल सिंबल दिखाया हुआ चार्ज बैलेंस नहीं कराया गया, सिर्फ सिंबल दिखाया गया है ना, अदरवाइज ये टोटल नेगेटिव चार्ज ये टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है। तो 50% पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कनेक्ट करो, 50% पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कनेक्ट करो, ये दो डाइपोल बन जाएंगे, बॉन्ड लेंथ बराबर होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो वेक्टर मेथड से इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, जीरो। आई मीन सी ओ टू मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। तो इसके जैसे जो मॉलिक्यूल होंगे आई मीन लीनियर, उनको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, दे आर नॉन पोलर बिकॉज पी वेक्टर इज जीरो। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। मॉलिकुलर डाइपोल्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों मान लो कि एक ऐसा मटेरियल है जिसमें मॉलिक्यूल्स पोलर है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर से नहीं लगाते हो तो मॉलिकुलर डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रैंडम ओरिएंटेशन होता है मॉलिकुलर डाइपोल्स का। लेकिन इस पूरे मटेरियल पर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए अप्लाई कर दिया जाए तो यूं कहो कि इस मटेरियल को चार्ज कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में रख दिया जाए, इस पर एक राइटवर्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोज हो जाएगा। राइटवर्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शोन बाय ग्रीन कलर इम्पोज हो जाएगा। तो फिर आपने पढ़ा कि डाइपोल्स पे टॉर्क लगता है, हर डाइपोल पे टॉर्क लगेगा, पी क्रॉस ई फार्मूला पढ़ाया हूँ, पी क्रॉस ई। तो जो हर मॉलिकुलर डाइपोल पे टॉर्क लगेगा पी क्रॉस ई, तो वो टॉर्क तब तक लगेगा जब तक कि टॉर्क जीरो ना हो जाए, और टॉर्क जीरो इन पे तब होगा जब सभी के सभी डाइपोल्स आई मीन इनका पी वेक्टर ई वेक्टर के पैरेलल होगा, क्योंकि पी क्रॉस ई का मैग्नीट्यूड पी साइन थीटा होता है, तो जब थीटा जीरो होगा तब जाके टॉर्क जीरो होगा। तो होता क्या है कि टॉर्क लगने की वजह से ये सारे डाइपोल्स अलाइन होने लगते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने की कोशिश करते हैं जैसे यहाँ दिखाया गया है। थोड़ा और टाइम दिया जाएगा तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, अब ये हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल होने की सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं। तो लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएंगे, जब पैरेलल हो जाएंगे तो इन पे टॉर्क जीरो हो जाएगा, फिर इनका ओरिएंटेशन फिक्स हो जाएगा। तो रैंडम ओरिएंटेशन से यूनिडायरेक्शन ओरिएंटेशन ट्रांसफॉर्म होने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये डायग्राम बनाए मॉलिक्यूलर डाइपोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। डायलैक्टिक बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फिगर में एक डायलैक्टिक स्लैब दिखाया और एक चार्ज कैपेसिटर दिखाया, प्लस क्यू माइनस क्यू दिखाया। थोड़ी देर पहले समझाया हूँ कि इसमें पोलराइजेशन होगा,
पॉजिटिव चार्ज का सेंटर राइट साइड में आएगा, नेगेटिव का लेफ्ट में आएगा। ये सिचुएशन हर मॉलिक्यूल में होगी। इस सरफेस पे प्लस कुडास इंड्यूस होगा, इस सरफेस पे माइनस कुडास इंड्यूस होगा। प्यारे बच्चों, जब आपने स्लैब नहीं रखी थी तो यहाँ फ्री स्पेस था, और फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड था, राइटवर्ड सिंबल था ई नॉट वेक्टर। अब ये जो सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसकी वजह से अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन होगा। प्लस कुडैस माइनस कुडैस इनका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन होगा, और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव लेयर से नेगेटिव लेयर की तरफ बाईं तरफ होगा। बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन डिनोटेड बाय डैश। बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कम दिखाया गया है क्योंकि ये प्रैक्टिकली वेरीफाइड है कि जो इंड्यूस चार्जेस होते हैं इनका मैग्नीट्यूड इस वाले से कम होता है, तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड फ्री स्पेस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा। ये वेक्टर छोटा दिखाया गया है। बच्चों, ये आपने अप्लाई किया था और ये इंड्यूस हो गया, तो आखिर इस स्पेस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेथड से तो प्लस लगा के लिखा जाएगा, जो पहले अप्लाइड था और ये जो इंड्यूस हुआ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप डायरेक्शन की बात करो, ये बाईं तरफ है, दाहिनी तरफ है। तो जब हम लोग वन डायमेंशनल वेक्टर को न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, एक साइन कन्वेंशन बनाते हैं, अगर राइटवर्ड को प्लस लेते हैं तो लेफ्टवर्ड को माइनस लेते हैं, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालने की नौबत आएगी, इसका मैग्नीट्यूड प्लस में लिखेंगे और इसके मैग्नीट्यूड को माइनस में लिखेंगे, फिर अलजेब्रिक सम लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में आएगा। प्लस में आने का मतलब डायरेक्शन राइटवर्ड आएगा। तो बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे राइटवर्ड आएगा। तो डायलेक्ट्रिक मीडियम इसीलिए कहा जाता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर ई, वो ई नॉट से कम होता है, वीकेंड हो जाता है, इससे मैग्नीट्यूड इसका कम हो जाता है। रीजन इस डायग्राम में दिख रहा होगा। इसको साइन कन्वेंशन से सॉल्व करता हूँ। बच्चों, जो फ्री स्पेस में नॉट था बिकॉज ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उसका ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑन द प्लेट्स। और ये जो ये डैश होगा, ये इंड्यूस चार्ज की वजह से होगा। बच्चों, ये भी तो पेयर में था, प्लस क्यू डैश माइनस क्यू डैश, इसका भी फॉर्मूला तो इसी के जैसा होना चाहिए, डबल ओके तो होगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस प्लस क्यू डैश एंड माइनस क्यू डैश ऑन द डायलेक्ट्रिक सरफेस। और ये डेफिनेशन है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायलेक्ट्रिक मीडियम इज नॉट बाई के, ये होता ही है। इसको आप कहोगे क्या, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायलेक्ट्रिक मीडियम दैट इज वेक्टर में, तो बच्चों ऊपर ऐसे लिखा के समझाया हूँ ये नेट फील्ड। लेकिन जब वन डायमेंशनल वेक्टर को सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली तो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, तो इसको प्लस मिलेंगे, इसको माइनस मिलेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ई डैश, एरो हटा दिया, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हुआ। ई की वैल्यू यहाँ डिफाइन करा है, उसको लाके यहाँ रख दिया, ई नॉट रिपीट किया, ई डैश रिपीट किया, ई डैश को लेफ्ट साइड में ले गया, इस टर्म को राइट साइड में लाया, ई नॉट कॉमन लिया, वन माइनस के, वन माइनस वन बाई के, ये डैश का फॉर्मूला ऊपर ये दिखाया हूँ, ये डैश के फॉर्मूले को यहाँ रिपीट किया, ई नॉट का फॉर्मूला भी यहाँ दिखाया हूँ, उसको ला के यहाँ रिपीट किया, अब सेला नॉट ए को कैंसिल किया, तो डैश का फॉर्मूला क्रिएट हो गया। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला बड़ा इम्पोर्टेंट है कंपटीशंस के लिए।
वैसे डेरिवेशन बोर्ड में भी आता है। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज ऑन द डायलेक्ट्रिक सरफेस। व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फ्री चार्ज ऑन ईच मेटल प्लेट एंड दिस इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम एंड के इज ऑलवेज मोर देन वन, सो दिस इज लेस देन वन, डिफरेंस पॉजिटिव, थोड़ा एस पॉजिटिव, देयरफॉर दिस इज मैग्नीट्यूड। प्यारे बच्चों, इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज ऑन द डायलेक्ट्रिक सरफेस एंड दिस इज ऑलवेज लेस देन कैपिटल क्यू। लेकिन बच्चों, डायलेक्ट्रिक स्लैब जगह मेटल स्लैब भर दी जाए तो क्या होगा? तो मेटल स्लैब में के की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ये रेशियो जीरो होगा, क्यूडैस बराबर क्यू होगा। यानी कि डायलेक्ट्रिक स्लैब को हटा के मेटल स्लैब भर दी जाए तो इंड्यूस चार्ज क्यूडैस की वैल्यू क्यू के बराबर होगा। याद रखना है इसको। द नेक्स्ट हेडिंग इज डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट कैन टॉलरेट विदाउट इट्स डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। बच्चों, मैं इसको समझाता हूँ आपको। ये जो इस डायलेक्ट्रिक स्लैब पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे हो, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स राइट साइड लगता है, नेगेटिव पे लेफ्ट साइड लगता है, मॉलिक्यूल फ्लैट हो जाता है। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलती है। यानी कि प्लस को राइटवर्ड खींचा जा रहा है इसकी वजह से, और ई नॉट प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से, और ये दोनों बैटरी से चार्ज करने की वजह से। तो प्लस पे राइटवर्ड फोर्स, माइनस पे लेफ्टवर्ड फोर्स। तो बच्चों, जब ई नॉट स्मॉल होगा तो इन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी स्मॉल होगा, तो ये ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अगर ये क्यू चार्ज बढ़ाते जाओगे, इमेजिन करो क्यू चार्ज आप बढ़ाते जा रहे हो, तो ई नॉट बढ़ता जाएगा, तो इन दोनों पे लगने वाला अपोजिट फोर्स बढ़ता जाएगा। तो एक लिमिट ऐसा आएगा बच्चों, फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ ई नॉट इन दोनों पे इतना ज़्यादा पुलिंग फोर्स लगेगा कि ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। आई मीन पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल बच्चों ब्रेक हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाते हैं, तो सारे मॉलिक्यूल एक साथ ब्रेक डाउन करते हैं। उस फिनोमिनन को डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहा गया। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर इसमें ब्रेकडाउन होने जा रहा है, वो इस मटेरियल का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। आई मीन इनॉर्ड के जिस वैल्यू पर इसमें डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, इनॉर्ड की उस वैल्यू को इस मटेरियल का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। इसी को बच्चों यहां पे वर्ड्स में समझाया गया है, समझ लो। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट कैन टॉलरेट विदाउट इट्स ब्रेकडाउन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करे उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जिसको टॉलरेट कर सके विदाउट ब्रेकडाउन, और इस मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा भी ज्यादा करोगे तो ब्रेकडाउन हो ही जाएगा। तो वही मैं आपको ऊपर समझाया, मीनिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला मैं आपको बहुत पहले सिखाया हूँ। दिस इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड ईदर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम denoted by capital D or denoted by capital K are also known as epsilon R. So epsilon R is called relative permittivity. बच्चों, एक ही डेफिनेशन है और तीन तरह से कहा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है, डेफिनेशन सेम होता है। ये प्योर रेशियो है तो ये तीनों क्या हुए? डायमेंशनलेस हुए,
और यूनिटलेस हुए। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, इसी रेशियो को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डायलेक्ट। अब बच्चों मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा इक्वलेंट डायलैक्टिक कांस्टेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डायलैक्टिक। इसका प्रूफ पढ़ाऊंगा ये अगले एपिसोड में होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डायलैक्टिक ये फार्मूला होगा, इसका भी प्रूफ पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये सब डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, इसीलिए सिखा रहा हूँ मैं, भौकाल नहीं बना रहा हूँ, जितना जरूरी उतना ही पढ़ा रहा हूँ। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ कैपेसिटर्स इसके टाइप्स बताए जाएंगे। सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि पढ़ाना तो अभी बहुत कुछ है। तो ये सब जो टॉपिक्स है आपको ऊपर जो मैंने दिखाया, फिर ये है, नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। और ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, बहुत हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सारे टॉपिक्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे हर वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना चाहिए, और बहुत पेशेंस के साथ देखना चाहिए, और एक एक दो बार रिवाइज भी कर लोगे ये सब समझ में आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा आप कर रहे होगे। जो भी नए बच्चे इस वीडियो को पहली बार देखें वो इस चैप्टर के शुरू से सारे वीडियो देखें, और फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड ज़रूर देखें, तो मैथमेटिकल अप्लीकेशन उनको समझ में आ जाएगा। सो प्यारे बच्चों, मेरे साथ इतनी देर तक पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।